√2√2√2... जब इस टाइप का सवाल होगा √2√2√2... जब इस टाइप का सवाल होगा जो इसका बेस है, बेस 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर √3√3... ये बीच में कोई सिंबल नहीं तो गुना का सिंबल होता है और इनफाइनाइट तक रहेगा, तो इसका जो बेस होगा ना वही आंसर हो जाता है। देखो अगला √5√5√5... इनफाइनाइट तक रहेगा, जो इसका बेस होगा वही उत्तर हो जाता, लेकिन जब इनफाइनाइट नहीं होगा, कॉन्टेंट होगा, तब देखो ऐसे यहाँ पर है √2√2√2√2। इनफाइनाइट बार है नहीं है, लिमिटेड बार है। कितना बार है? 4 बार है, 4 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस क्या है? बेस लिख दो 2 लिख दिया। अब पावर में बट्टा दे दो, क्या दो? अब देखो ये देखो रूट है ना, रूट में करनी कितना छुपा रहता है, रूट में करनी 2 छुपा हुआ रहता, इसे करनी 2 हो गया, ये भी रूट है तो इसका भी करनी 2, इसका भी करनी 2, इसका भी करनी 2, सभी करनी को आपस में गुना कर दो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 आ गया ना, नीचे 16 लिख दो, इससे एक कम ऊपर लिख लेना, 2 पर पावर 15 बेटा 16 हो गया। अब देखो यहाँ √3√3√3√3√3, यहाँ पर इनफाइनाइट बार था तो 3 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड टाइम है तो बेस 3 है, 3 लिख दिया, पावर में बट्टा दे दो। अब देखो यहाँ रूट में करनी छुपा रहता है, करनी कितना छुपा रहता है? जितना रूट उतना कर 2, एक इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी करनी को आपस में गुना कर दो, क्या करो? सभी करने का आपस में दो दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचे 32 लिख दो, इससे एक कम ऊपर लिख दो, यह हो गया आंसर। देखो √5 √5 √5 3 टाइम्स है, लिमिटेड टाइम है, अगर इनफाइनाइट बार होता तो इसका 5 आंसर होता, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है तो 5 लिख दिया, पावर में बट्टा दे दिया। देखो इसमें करने कितना ही देना है, करने 2, करने 2, सभी करने का आपस में गुना करो, 2 दूना 4 दूनी 8, नीचे 8 लिखो, इससे एक कम ऊपर लिखो, इस तरीका से आप लोग बना सकते हो।